दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर के के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे सियाटिका के बारे में सियाटिका के बारे में दो ऐसी मेडिसिन के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हेल्थ केयर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों सियाटिका की जो पहली मेडिसिन है सियाटिका होती क्या पहले ये समझ देते हैं सियाटिका बेसिकली क्या होती है सियाटिक नर्व होती है जो कि कमर से नीचे की तरफ जाती है बैक साइड में जिसको पोस्टीरियर साइड बोलते हैं बैक से नीचे की तरफ पीछे की तरफ जाती है वो नस जिसको सियाटिक नर्व बोलते हैं और जब ये दोनों तरफ होती है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जब ये नस किसी भी कारणवश दब जाती है जब नस नीचे की तरफ जा रही है वह टिबरी है या तो वहाँ से निकलते समय या बीच में किसी भी कारण अगर दबती है तो ये पूरे प्रोसेस में नीचे तक वो दर्द जाता है चूँकि नर्वस सिस्टम है तो नर्वस जहाँ पे भी दबती है तो पूरा का पूरा सिस्टम को दर्द वहाँ तक जाता है तो ये एक कारण होता है सियाटिक नर्व के दबने से सियाटिका का जो पेन होता है जिसको सियाटिका कहते हैं उसके शुरू होने का अब इसको सही करने के लिए दो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं इसमें फिजियोथेरेपी करा सकते हैं आप इसमें आप एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें दवाओं को दे करके पेन को कम किया जाता है मालिश कर सकते हैं गर्म सिकाई का भी प्रयोग लोग करते हैं आयुर्वेदिक दवाएँ हैं बहुत कुछ है होम्योपैथिक में भी बहुत सारी दवाएँ हैं इसको लेकर के चूँकि होम्योपैथिक जानते हैं सिम्टम बेस है तो अलग अलग सिम्टम्स इस पर आते हैं उसके आधार पर दवाएँ भी अलग अलग हो जाती हैं जैसे कुछ सिम्टम के बारे में बात करूंगा आज मैं आपसे दो दवाओं के बारे में जिक्र करूंगा एक तो लेफ्ट एक राइट का पहले तो यही आता है दूसरा ये कि जब दर्द के साथ में अगर सुन्नपन हो पेन हो बैक से लेकर के नीचे की तरफ जाए और साथ में दर्द हो उसके साथ में सुन्नपन हो तो पहली दवा आती है दोस्तों वो है नेफेलियम ठीक है जी से होता है जी साइलेंट हो जाता है नेफेलियम बोला जाता है तो नेफेलियम थर्टी या टू हंड्रेड प्रोटेंसी को सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर दर्द के साथ सुन्नपन है साथ में कमर दर्द हो सकता है तो आपको इसमें देखेंगे कि आराम मिलना शुरू हो जाएगा ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है दूसरा जो दूसरी दवा है वो है वेलेरियाना वेलेरियाना भी थर्टी या टू हंड्रेड प्रोटेंसी यूज़ कर सकते हैं वेलेरियाना का जो सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है कि पेशेंट को दर्द तो होता है लेकिन दर्द के साथ साथ में जब पेशेंट चुपचाप पड़ा रहता है मतलब शांत पोजीशन में रहता है चाहे खड़ा हो चाहे बैठा रहो तो उसकी तकलीफों में वृद्धि हो जाती तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और जब पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है चलता फिरता रहता है तो तकलीफों में आराम रहता है ये एक बड़ा सिम्टम होता है वेरियाना का और ये सेम सिम्टम आपको पाया जाता है रस्टॉक्स में भी रस्टॉक्स भी एक दवा है इस चीज़ की कई सारी दवाएं हैं कोलोसिन है रस्टॉक्स है ठीक है लेकिन अंतर क्या है रस्टॉक्स में कि रस्टॉक्स में आप जीप देखेंगे तो जीप ट्राइंगुलर ट्रिप होगी आगे की तरफ जो कि वलेरियाना में नहीं होगी वलेरियाना में कमर दर्द हो सकता है पुराना जो कि कमर दर्द के साथ साथ में ये कंडीशन भी हो सकती है कमर दर्द है उसमें भी चुपचाप पेशेंट पड़ा रहता है तो उसको तकलीफ़ होती है चलता फिरता रहता है तो आराम मिल जाता है तो ये सिम्टम पाया जाता है वेलेरियाना के अंदर में दोस्तों तो कभी भी अगर इस तरह के सिम्टम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल जो सिम्टम होते हैं उसको देख लेते हैं कि पेशेंट को चुपचाप पड़ा हुआ है तो तकलीफ बढ़ी हुई है चल फिर रहा तो आराम मिल रहा है रस्टॉक्स उठा के दे दिया और कभी आराम होता है कभी नहीं होता जब रस्टॉक्स के सिम्टम मिलते हैं तो आराम हो जाता है नहीं मिलते हैं तो आराम नहीं होता है तो इसलिए ध्यान देना है कि सिम्टम कौन से हमको मिल रहे हैं वेरियाना का सिम्टम है या नहीं है तो वेलेरियाना का सिम्टम समझ लिया आपने और ने का दोनों दवाएं दोस्तों बहुत ही अच्छी होती हैं इसके केस में शियाटिका के तो दोस्तों ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सके फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में तब तक ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों